सॉलिड के केस में आपको मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेकिन के 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 केस केस में, में यानी कि लिक्विड बीच सिग्निफिकेंट कंटिन्यूस है या नहीं है सब्सक्राइब बेल आइकॉन एंड मिस एनी अपडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेलो दोस्तों क्या हाल सब बढ़िया सब बढ़िया ही होना चाहिए तो अब तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया है आज के इस लेक्चर में भी हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मो के बारे में ही बात करेंगे लेकिन आज का जो ये लेक्चर है ये बेसिक कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के बारे में इससे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट में नौ no लेक्चर्स बना चुका हूँ ठीक है तो जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लेक्चर्स देखिए उसके बाद आज का लेक्चर क्योंकि उन में में हमने हमने कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग इनके बारे में हमने बात की अप्रोच एम ऑफ स्टाइन थर्मोडाइनेमिक्स थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम क्वासिस्टेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस पाथ स्टेट प्रोसेस साइकिल इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया है अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ गिफ्ट फेस रूल के बारे में भी डिस्कशन किया है और वहाँ हमने काफ़ी सारी चीजें डिस्कस की थी तो काफ़ी कुछ हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये बेसिक कंसेप्ट का लास्ट लेक्चर है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आप ही को सॉल्व करने हैं ठीक है जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी उनसे वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए उससे दो फायदे होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन दूंगा वो आप इजिल सॉल्व कर पाएंगे और दूसरी बात अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्योंकि हर एक वीडियो का लिंक एक दूसरे से है तो जब तक आप मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको हो सकता है कि आज की इस वीडियो में जो मैं समझा रहा हूं उसे समझने में दिक्कत हो तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में थर्मो डाइनेमिक्स प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है उस प्ले लिस्ट के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियो सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगी तो अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में अपने लेक्चर पर आते हैं ठीक है आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम के बारे में कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि कॉन्टिनम वर्ड का मतलब क्या होता है कॉन्टिनम वर्ड के मतलब को हमें समझना होगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टिनम वर्ड का मतलब क्या होता है कॉन्टिनियम का मतलब होता है कंटिन्यूअस अब इस कंटिन्यूअस वर्ड का मतलब क्या होता है अब देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है मैटर इज स्प्रेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट विदाउट एनी वर्ड्स और वैकेंसी मैटर इज स्प्रेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट विदाउट एनी वर्ड्स और वैकेंसीज यानी कि जो हमारा मैटर है वो थ्रू आउट स्प्रेड हो रहा है बिना किसी वैकेंसी या बिना किसी वर्ड के फॉर एग्जाम्पल यहां देख लीजिए यहां आपको मैं डायग्राम बना रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूस मैटर कैसा होता है ठीक है आप इस पार्ट को आगे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इस वजह से अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा ठीक है यहां देखिए यहां मैटर कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम विदाउट एनी वॉइड्स और वैकेंसीज यहां हमें मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी वैकेंसी कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है यहां देखिए यहां मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है यहां मैटर यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम यहां आपको किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस या वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है यहां आपको कोई भी वर्ड्स कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि मैटर कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि मैटर इज कंटिन्यूस कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है मैटर इज कंटिन्यूस ठीक है यहां मैटर कंटिन्यूस है यानी कि यहां मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम यहां मैटर क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम विदाउट एनी वॉइड्स और वैकेंसीज यानी कि यहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको स्पेस देखने को नहीं मिल रहा है यहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है यहां मैटर क्या है कंटिन्यूअस है और कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है

यहाँ देखिए यहाँ मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड नहीं हो रहा है यहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको स्पेस देखने को मिल रहा है यहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है यहां मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड नहीं हो रहा है यहां मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा था यहां मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था थ्रू आउट द सिस्टम होमोजीनियसली स्प्रेड हो रहा था थ्रू आउट द सिस्टम लेकिन यहां मैटर होमोजीनियसली स्प्रेड नहीं हो रहा है यहां मैटर कंटिन्यूसली स्प्रेड नहीं हो रहा है यहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको स्पेस देखने को मिल रहा है ठीक है तो यहां मैटर कंटिन्यूअस नहीं है यहां मैटर कंटिन्यूस नहीं है यहां क्या लिखेंगे मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस तो कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है कॉन्टिनम का मतलब होता है मैटर इज कंटिन्यूअस कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है कि मैटर कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम कॉन्टिनम का मतलब ही ये होता है कंटिन्यूस कॉन्टिनम का मतलब ही क्या होता है कंटिन्यूअस होता है तो इससे आप याद रख सकते हैं का मतलब होता है मैटर इज ठीक है कि सिस्टम के अंदर जो मैटर है वो कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूसली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द सिस्टम अब थोड़ी सी और एनालिसिस करते हैं यहां ध्यान दीजिए मान लीजिए मैं इस सिस्टम में दो पोर्शन ले रहा हूं मान लीजिए एक पोर्शन ये है इस पोर्शन का वॉल्यूम है v, ठीक है और ये है हमारा पोर्शन वन ये है हमारा पोर्शन वन इसी तरीके से मैं एक और पोर्शन ले रहा हूं सेम वॉल्यूम का एक और पोर्शन ले रहा हूं मैं सेम वॉल्यूम का एक और पोर्शन ले रहा हूं इस पोर्शन का वॉल्यूम भी क्या है V है और ये पोर्शन नंबर टू है अब यहां ध्यान दीजिए हमें इन दोनों पोर्शन की क्या निकालनी है डेंसिटी निकालनी है हम इन दोनों पोर्शन की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे अब यहां ध्यान दीजिएगा बात करते हैं पोर्शन वन की फर्स्ट पोर्शन की बात करते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ पोर्शन वन की तो यहां देखिए पोर्शन वन की अगर हम बात करें तो यहां चार मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो टोटल मास क्या हो जाएगा सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल बी एम ठीक है सिंगल मोलिक्यूल का मास क्या है एम है और यहां जितने भी मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है इधर इस सिस्टम के अंदर उन सभी का मास क्या है इक्वल है तो अगर सिंगल मोलिक्यूल का मास एम है तो सभी मोलिक्यूल्स का मास क्या होगा सभी इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स का मास क्या होगा एम ही होगा ठीक है तो अब यहां ध्यान दीजिए यहां इस पोर्शन की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हमें मास पता करना है तो यहां टोटल मास क्या है इस पोर्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फोर इंटू एम ठीक है एक मॉलिक्यूल का मास एम है तो चार मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा फोर एम हो जाएगा इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या है वी है तो इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी हो जाएगी वी हो जाएगा ठीक है तो यहां अगर आप देखें तो पोर्शन वन की डेंसिटी क्या आ रही है फोर एम अपॉन वी पोर्शन वन की डेंसिटी क्या आ रही है फोर एम अपॉन वी अब बात करते हैं पोर्शन टू की पोर्शन टू की बात करते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है पोर्शन टू की डेंसिटी की बात कर रहे हैं इसलिए रो के सब्सक्रिप्ट में मैंने टू लिखा है अब यहां ध्यान दीजिए इस पोर्शन के अंदर पोर्शन टू के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक दो तीन चार चार मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास क्या है एम है ठीक है तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास एम है तो चार मॉलिक्यूल्स का टोटल मास क्या हो जाएगा फोर एम हो जाएगा सभी मॉलिक्यूल्स का मास क्या है सेम है हर एक मोलिक्यूल का मास क्या है एम है तो टोटल मास कितना हो जाएगा इस पोर्शन के अंदर फोर एम हो जाएगा अब इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना है सेम वॉल्यूम है जितना वॉल्यूम पोर्शन वन का था उतना ही वॉल्यूम पोर्शन टू का भी है तो सेम वॉल्यूम है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ वी हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा वी हो जाएगा तो पोर्शन टू की डेंसिटी क्या आ रही है फोर एम अपॉन वी यहां ध्यान दीजिए यहां पोर्शन वन और पोर्शन टू की डेंसिटी क्या है इक्वल है यहाँ पोर्शन वन और पोर्शन टू की डेंसिटी क्या है इक्वल है ठीक है यहाँ ध्यान दीजिएगा पोर्शन वन और पोर्शन टू की डेंसिटी क्या है इक्वल है ठीक है अब इसी तरीके से इसी तरीके से हम इसके अंदर एनालिसिस कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैटर कंटिन्यूस नहीं है तो इस सिस्टम के अंदर भी हम दो पोर्शन लेंगे एक पोर्शन मैंने मान लिया ये वाला है जिसका वॉल्यूम है वी है ना और एक पोर्शन है ये वाला जिसका वॉल्यूम है V ये है हमारा पोर्शन नंबर वन और ये है हमारा पोर्शन नंबर टू अब यहां ध्यान दीजिए सबसे पहले बात करते हैं पोर्शन की पोर्शन वन की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी निकालनी है हमें इसमें भी दोनों पोर्शन की डेंसिटी निकालनी है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है पोर्शन वन की डेंसिटी निकालनी है तो रो इक्वल्स टू यहां रो वन ठीक है रो वन हम निकाल रहे हैं यहां देखिए पोर्शन वन के अंदर एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब पोर्शन के अंदर मास क्या होगा जीरो होगा पोर्शन वन के अंदर मास क्या होगा जीरो होगा ठीक है जीरो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है पोर्शन वन का कैपिटल वी है तो जीरो डिवाइडेड बाय कैपिटल वी यानी कि रो वन की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी ठीक है अब बात, बात करते हैं पोर्शन टू की पोर्शन टू की बात करते हैं ठीक है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं पोर्शन टू की तो रो के सब्सक्रिप्ट में मैंने क्या लिख दिया है टू लिख दिया है अब यहां ध्यान दीजिए यहां एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मैंने क्या कहा यहाँ पे भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि का जो यहां, है? है. तो यहां देखिए मैंने क्या कहा था कि इस पोर्शन इस के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो टोटल मास कितना हो जाएगा इस पोर्शन के अंदर एम हो जाएगा वन इंटू एम तो आंसर क्या आएगा एम ही आएगा ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या है कैपिटल वी है तो एम बाई वी तो डेंसिटी पोर्शन टू की डेंसिटी क्या निकल के आएगी एम बाय वी तो यहां अगर आप नोट करें तो यहां पोर्शन वन और पोर्शन टू की डेंसिटी इक्वल नहीं है यहां पोर्शन वन और पोर्शन टू की डेंसिटी इक्वल नहीं है अब ध्यान दीजिए डेंसिटी क्या होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है यह मैं थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी वाले अपने लेक्चर में बता चुका हूं डेंसिटी क्या होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है तो अगर आप बात करेंगे इस वाले सिस्टम की अगर आप बात करेंगे इस सिस्टम की तो इस सिस्टम के अंदर हमें किसी भी पोर्शन पे सेम डेंसिटी देखने को मिल रही है कोई सा भी रैंडम पोर्सन हम चूज कर लें रैंडमली कोई से भी पोर्सन हम चूज कर लें इस सिस्टम के अंदर तो इस सिस्टम में हमें हर एक पोर्शन की डेंसिटी सेम देखने को मिलेगी यानी कि सिस्टम के अंदर थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टी क्या है सेम है डेंसिटी क्या है एक प्रॉपर्टी है तो यहां देखिए यहां थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी प्रॉपर्टी क्या होगी इक्वल होगी लेकिन यहां इस केस में अगर हम अलग-अलग पोर्शंस चूज करते हैं तो अलग-अलग पोर्शंस -अलग की डेंसिटी हमें अलग-अलग देखने को मिल सकती है ठीक है अलग अलग पोर्शंस की डेंसिटी हमें अलग अलग देखने को मिल सकती है तो यहां थ्रू आउट सिस्टम डेंसिटी सेम नहीं है ठीक है थ्रू आउट डेंसिटी सेम नहीं है थ्रू आउट सिस्टम डेंसिटी सेम नहीं है यानी कि थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टी सेम नहीं है यहां थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टी सेम है यहां थ्रू आउट द सिस्टम डेंसिटी सेम है अब डिफरेंस क्या है क्योंकि यहां मैटर कंटिन्यूस है इस वजह से थ्रू आउट द सिस्टम हमें प्रॉपर्टी की सेम वैल्यू देखने को मिल रही है लेकिन यहां देखेंगे अगर आप तो यहां मैटर कंटीन्यूअस नहीं है यहां थ्रू आउट द सिस्टम हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम देखने को नहीं मिल रही है तो इस केस में हम एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू सिस्टम को असाइन नहीं कर पाएंगे एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू इस केस में हम सिस्टम को असाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस केस में हमें अलग-अलग वैल्यूज देखने को मिल रही है डेंसिटी के इस केस में हमें अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल रही हैं डेंसिटी की लेकिन इस केस में हमें एक ही वैल्यू देखने को मिल रही है डेंसिटी की थ्रू आउट द सिस्टम डेंसिटी की वैल्यू सेम है तो इस केस में हम सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस केस में जब मैटर कंटिन्यूस होता है तो हम सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वी कैन असाइन अ सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम वेयर मैटर इज कंटिन्यूस बट वी कैन नॉट असाइन सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू टू दिस टाइप ऑफ सिस्टम मैटर इज नॉट कंटिन्यूस यानी कि ऐसे सिस्टम में हम एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते जहां मैटर कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन यहां मैटर कंटिन्यूअस है तो यहां हम सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हैं क्योंकि थ्रू आउट द सिस्टम प्रॉपर्टी सेम है थ्रू आउट थ्रू आउट द सिस्टम डेंसिटी की वैल्यू सेम है लेकिन यहां थ्रू आउट द सिस्टम डेंसिटी की वैल्यू सेम नहीं है तो हम कैसे एक सिंगल वैल्यू असाइन कर दे डेंसिटी की इस सिस्टम को ठीक है तो जहां मैटर कंटिन्यूस नहीं होता है वहां हम एक सिंगल डेंसिटी की वैल्यू या सिंगल प्रॉपर्टी की वैल्यू सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते लेकिन जहां मैटर कंटिन्यूस होता है वहां हम एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू सिस्टम को असाइन कर सकते हैं अब यहां ध्यान दीजिए इस केस में मैटर कंटिन्यूस है लेकिन इस केस में मैटर कंटिन्यूस नहीं है अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं हम किस केस में कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन अप्लाई कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा इस केस में मैटर कंटिन्यूअस है इस केस में मैटर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम किस केस में कंसेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूम अप्लाई कर सकते हैं हम उसी केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूम अप्लाई करेंगे जिस केस में मैटर कंटिन्यूअस होगा तो हम सिर्फ इस केस में कन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूम अप्लाई कर सकते हैं हम इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टीन्यूम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में मैटर कंटिन्यूस नहीं है इस केस में हम सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन इस केस में मैटर कंटिन्यूस है

हम इस केस में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम अप्लाई कर सकते हैं इस केस की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो इस केस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं तो हम कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई करवा पा रहे हैं जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं

तो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लेते हैं यानी कि क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स का यूज लेते हैं हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज नहीं लेते तो अब यहां ध्यान दीजिए यहां नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है यहां हम कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम अप्लाई कर सकते हैं अब जब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम हमेशा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज़ नहीं लेते हैं हम हमेशा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज़ लेते हैं हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज नहीं ले सकते जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो अगर आपको इस सिस्टम की एनालिसिस करनी है तो आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लोगे ठीक है ना इस सिस्टम की जब आपको एनालिसिस करनी होगी तो आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लोगे क्योंकि यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है इस सिस्टम में आप कंसेप्ट ऑफ क्वान्टम अप्लाई कर सकते हैं यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है इसलिए आपको इस सिस्टम के एनालिसिस करने के लिए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लेना पड़ेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि क्वान्टम कंसेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है

क्यों वापस बता देता हूं क्योंकि क्वान्टम कंसेप्ट हम उसी केस में अप्लाई कर सकते हैं जहां सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो और अगर सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है तो उस सिस्टम के एनालिसिस करने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज लेना होगा इसीलिए हम ये कहते हैं कि क्वान्टम कंसेप्ट एक मैक्रोस्कोपिक कंसेप्ट है ठीक है ना अब ध्यान दीजिएगा अगर हम फ्लूड्स की बात करें तो फ्लूड्स में आपको कभी भी फ्लूड्स केस में आपको कभी भी मैटर इस फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा सॉलिड के केस में आपको मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेकिन फ्लूड्स के केस में यानी कि लिक्विड और गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच सिग्निफिकेंट गैप सिग्निफिकेंट स्पेस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो उस केस में हम कैसे अज्यूम करेंगे कि मैटर कंटिन्यूस है या नहीं है तो अब बात करते हैं फ्लूड्स की यानी कि लिक्विड और गैसेस की तो अगर सिस्टम में इतने सफिशियंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कि हम उस सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं तो उस केस में हम ये कहेंगे कि वो सिस्टम कंटिन्यूअस है यानी कि उस सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस है लेकिन अगर सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने कम हैं इतने कम हैं कि हम उस सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम ये कहेंगे कि सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस नहीं है ठीक है तो रियल लाइफ में तो आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा गैसेस में लिक्विड्स में आपको मॉलिक्यूल्स का इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा जहां मॉलिक्यूल्स के बीच आपको स्पेसिस देखने को मिलेंगे ठीक है लेकिन अब हम कैसे यहां अज्यूम करें कि मैटर कंटिन्यूस है या नहीं है इसके लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर सिस्टम में इतने सफिशियंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि हम उस सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर पा रहे हैं तो उस केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि सिस्टम में जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है लेकिन अगर सिस्टम में इतने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि हम सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हम ये कहेंगे कि उस सिस्टम में जो मैटर है वो कंटिन्यूस नहीं है तो अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सिस्टम है यह एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है अब इस कंटेनर में गैस के इतने कम मॉलिक्यूल्स हैं कि मैं इस इस कंटेनर में जो गैस है उसको एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर पा रहा हूं तो इस केस में जो इस सिस्टम में गैस भरी हुई है या जो इस सिस्टम में मैटर है मैं ये कहूंगा कि वो मैटर कंटिन्यूस नहीं है लेकिन अगर इस सिस्टम में सफिशिएंट अमाउंट में गैस है यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं कि मैं इस सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर पा रहा हूं तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि इस इस सिस्टम सिस्टम में में जो इस में जो गैस है, मैटर है वो कंटिन्यूअस है फॉर एग्जाम्पल अबाउट टेन टू दावर सिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हमें हमेशा एक स्टेबल मेजरमेंट के लिए यानी कि अगर किसी सिस्टम में मिनिमम टेन टू दावर सिक्स मॉलिक्यूल है ना तो उस सिस्टम को आप एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हो अगर किसी सिस्टम सिस्टम में टू पावर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उस को आप सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हो और उस सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है उसे आप अज्यूम कर सकते हो लेकिन अगर किसी सिस्टम में टेन टू पावर सिक्स से कम टेन टू पावर सिक्स से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उस केस में आप उस सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर पाओगे और उस केस में आपको यह कहना होगा या ये अज्यूम करना होगा कि उस केस में जो मैटर सिस्टम में प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस नहीं है अब कितने वॉल्यूम में आपको टू दावर सिक्स देखने को मिलते हैं टू मिलीमीटर क्यूब अगर हमारा सिस्टम का वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम के अंदर अगर हमारे सिस्टम का वॉल्यूम टेन टू दी पावर माइनस नाइन मिलीमीटर क्यूब है तो इस वॉल्यूम के अंदर हमें एयर के टेन टू दी पावर सेवन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूं एयर की अगर मैं बात करूं एयर की तो अगर हमारे सिस्टम का वॉल्यूम 10 टू दावर माइनस नाइन एम एम क्यूब है यानी कि इतना कम वॉल्यूम है 10 टू दावर माइनस नाइन एम एम क्यूब बहुत कम वॉल्यूम होता है बहुत छोटा सिस्टम होता है अगर सिस्टम का साइज इतना छोटा भी है तो आपको एयर के 10 टू पावर सेवन मॉलिक्यूल्स इसमें देखने को मिलेंगे तो अगर इस तरीके का को कोई सिस्टम है जिसका वॉल्यूम टेन टू तो दावर माइनस नाइन मिलीमीटर क्यूब है और उसमें टेन टू पावर सेवन मॉलिक्यूल्स आपको एयर के देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में आप क्या कहोगे कि इस सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है वो क्या है Continuous है क्योंकि इस तरीके के सिस्टम को आप एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हो ठीक है मैंने क्या कहा था अगर टेन टू दी पावर सिक्स से ज्यादा मोलिक्यूल हैं तो आप सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन कर सकते हो और उस में आप ये अज्यूम कर सकते हो कि उस सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस है लेकिन अगर टेंट टू दी पावर सिक्स से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस केस में आप सिस्टम को एक सिंगल प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते और उस केस में आपको ये मानना होगा कि उस सिस्टम में जो मैटर प्रेजेंट है वो कंटिन्यूस नहीं है ठीक है ना इस चीज का ध्यान रखिएगा अब ये जो अजम्पशन है क्वॉन्टिनम की जो अजम्पशन है जो अभी मैंने बताई कंसेप्ट ऑफ क्वान्टम की जो अजम्पशन है अजम्पशन ऑफ क्वानम ये कब वैलिड होती है अजन अजम्पन ऑफ कॉन्टिनम कब वैलिड होती है इसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है हमने ये देख लिया कि कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है हमने ये देख लिया कि हम मैटर को कब कंटिन्यूस अज्यूम करते हैं ठीक है थीके? अब हम ये देखेंगे कि जो, आ, ये जो अजम्पन है कॉन्टिनम की अजम्पन ऑफ कॉन्टिनम ये कब वैलिड मानी जाती है ठीक है ना कब वैलिड मानी जाती है तो अब हम बात करेंगे वेन वेन दिस अजम्प्शन ऑफ कॉन्टिनम इज अज्यूम टू बी वैलिड जो हम ये अज्यूम कहते हैं कि मैटर कंटिन्यूस है है ना जो हम ये अज्यूम कहते हैं कि मैटर कंटिन्यूअस है ये अजम्पशन कब वैलिड मानी जाती है जो हमारी कॉन्टिनम की अजम्पशन होती है कब वैलिड मानी जाती है इसके बारे में हम, हम बात करते हैं ठीक है ना? तो जब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ सिस्टम यानी कि एल एल से डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ सिस्टम को ग्रेटर देन होती है हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ हम इस कॉन्टिनम अजम्शन को वैलिड मानते हैं ठीक है जब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन हंड्रेड टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ, लेमडा क्या होता है लेमडा होता है मीन फ्री पाथ एल होता है लेंथ ऑफ़ द सिस्टम ठीक है जब लेंथ ऑफ़ द सिस्टम ग्रेटर देन होती है हंड्रेड टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ के तो उस केस में उस केस में हम कॉन्टिनम अजम्पशन को वैलिड मानते हैं उस केस में हम कॉन्टिनम अजम्पशन को वैलिड मानते हैं अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती क्या है ठीक है रेक्टरिस्टिक एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक डायमेंशन है जो कि फिजिकल सिस्टम की स्केल को फिजिकल सिस्टम की स्केल को डिफाइन करती है लेंथ ठीक है लेंथ एक ऐसी है जो कि फिजिकल सिस्टम की स्केल को डिफाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का एक फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मुला होता है, है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का एक फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक ऐसी डाइमेंशन है जो कि फिजिकल सिस्टम की स्केल को डिफाइन करती है ठीक है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक ऐसी डाइमेंशन है जो कि फिजिकल सिस्टम की स्केल को डिफाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम ठीक है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिस्टम अब मान लीजिए कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लूड होता है वो फ्लो कर रहा होता है ठीक है कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्लूड फ्लो कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्यूब है है ना सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसमें से फ्लूड फ्लो कर रहा है वाटर फ्लो कर रहा है ठीक है तो कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फ्लूड फ्लो कर रहा होता है तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे मेजर करते हैं उस केस में जब फ्लूड फ्लो कर रहा होता है जब फ्लूड फ्लो कर रहा होता है तो उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को उस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को हाइड्रोलिक डायमीटर के रूप में मेजर करते हैं तो जब भी फ्लूड फ्लो करता है उस केस में हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को हाइड्रोलिक डायमीटर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं ठीक है और हाइड्रोलिक डायमीटर को हम कैपिटल डी सब्सक्रिप्ट एच से डिनोट करते हैं ठीक है ना अब ध्यान दीजिए हाइड्रोलिक डायमीटर का फॉर्मूला होता है फोर ए सी डिवाइडेड बाय पी ठीक है इधर ए सी का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी का मतलब क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया और पी का मतलब है पेरीमीटर एसी का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया और P का मतलब है पेरीमीटर तो अगर फ्लूड किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब से फ्लो कर रहा है अगर फ्लूड किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब से फ्लो कर रहा है तो सिलेंड्रिकल ट्यूब के केस में आपका क्रॉस सेक्शन क्या होगा सर्कल होगा तो अगर हम बात करें इस केस की इस केस में हाइड्रोलिक डायमीटर यानी कि सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो क्या हो जाएगी फोर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन क्या है सर्कल है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर होता होता है है डिवाइडेड बाय सर्कल का क्या टू पाई आर होता है ठीक है ठीके? तो अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा टू टू जोर तो यहां देखिए हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा टू आर हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा टू आर और टू इंटू रेडियस क्या होता है डायमीटर होता है तो हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के डायमीटर के बराबर हो जाएगा तो जब भी फ्लूड किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब से फ्लो होता है उस केस में सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है या जो हाइड्रोलिक डायमीटर होता है वो सिलेंड्रिकल ट्यूब के डायमीटर के बराबर होता है इसी तरीके से आप दूसरे शेप्स की जो ट्यूब्स होती हैं उनके लिए भी हाइड्रोलिक डायमीटर निकाल सकते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मेरे पास कोई ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है स्क्वायर है मेरे पास कोई ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड क्या है ए है तो इस केस में इस केस में आपका हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा इस केस में आपका हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक डायमीटर इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय पेरीमीटर क्या होगा फोर ए हो जाएगा ठीक है फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा ए एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा हाइड्रोलिक डायमीटर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए क्या है साइड है साइड ऑफ स्क्वायर है ठीक है ना तो जब भी किसी स्क्वायर ट्यूब में से किसी स्क्वायर ट्यूब में से फ्लूड फ्लो करेगा यानी कि एक ऐसे ट्यूब जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है तो जब भी किसी स्क्वायर ट्यूब में से फ्लूड फ्लो करेगा तो उस केस में जो हाइड्रोलिक डायमीटर होगा या जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो स्क्वायर की साइड के बराबर होगी इस तरीके से आप रेक्टेंगल के लिए भी निकाल सकते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगुलर ट्यूब में से फ्लूड फ्लो कर रहा है तो उस केस में हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होगा आपको एरिया मालूम है रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर मालूम है रेक्टेंगल का तो आप इजीली किसी भी रेक्टेंगुलर ट्यूब में से अगर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो उसका हाइड्रोलिक डायमीटर आप निकाल सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट केसेज में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हाइड्रोलिक डायमी पता कर सकते हैं अब यहां ध्यान दीजिए दो फॉर्मूला है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के है ना यह है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला और अगर फ्लूड फ्लो करता है तो उसकेस में हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को हाइड्रोलिक डायमी फॉर्म में डिफाइन करते हैं ठीक है तो अब ध्यान दीजिए दोनों फॉर्मुले में ध्यान देंगे अगर आप तो यहां देखिए एक फॉर्मुला है वॉल्यूम ऑफ दिस्टम डिवाइडेड बाय सर्फेस एरिया ऑफ द सिस्टम सिस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है मीटर क्यूब में होता है सिस्टम का जो सरफेस एरिया होगा वो किस में होगा मीटर स्क्वायर में होगा ठीक है तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी ठीक है इस केस में भी देख लीजिए एरिया किस में होता है एरिया किस में होता है फोर इंटू एरिया एरिया में होता है मीटर स्क्वायर में होता है डिवाइडेड बाय किस में होता है मीटर में होता है मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो हाइड्रोलिक डायमीटर की यूनिट क्या होगी मीटर होगी तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है ठीक है अब वापस से बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या शो करता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक ऐसी डायमेंशन है जो किसी भी फिजिकल सिस्टम की स्केल को शो करता है किसी भी फिजिकल सिस्टम के स्केल को डिफाइन करता है या यूं कह लीजिए कि फिजिकल सिस्टम की साइज को डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एक तरीके से सिस्टम के साइज को बताता है ठीक है ना किसी भी फिजिकल सिस्टम के साइज को हमें बताता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसी भी फिजिकल सिस्टम के साइज को बताता है जो सिस्टम आप ले रहे हो उसका क्या साइज है वो बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ठीक है ना अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ की और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर होती है अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ की मीन फ्री मीन फ्री पाथ क्या होता है मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कॉलिजेंस ठीक है मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं गैस हो चाहे लिक्विड हो मॉलिक्यूल्स क्या होते है? होते हैं 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 एक्टिव और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं. तो दो सक्सेसिव सक्सेसिवलिजन के बीच अगर ये मॉलिक्यूल यहां कोलाइड कर रहा है इस मॉलिक्यूल से फिर इस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान इस मॉलिक्यूल ने कितनी एवरेज डिस्टेंस कवर की उसी को हम क्या कहते हैं मीन फ्री पाथ कहते हैं ठीक है थीके? गैस हो चाहे लिक्विड हो फ्लूड्स के केस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं ठीक है अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल पहले इससे कोलाइड कर रहा है इससे कोलाइड करने के बाद इससे कोलाइड कर रहा है तो जो एवरेज डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल की अपने दो सक्सेसिव कोलिजन के दौरान उसी को हम क्या कहते हैं मीन फ्री पाथ कहते हैं ये जो मीन फ्री पाथ होता है ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है सिस्टम के प्रेशर और सिस्टम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला होता है मीन पाथ का क्या फॉर्मूला होता है के बी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर पी ठीक है ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है वैसे ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं आता है इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं आता है ना ही गेट या आईएएस में पूछा जाता है ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ना ही कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला पूछा जाता है वो जो मैंने आपको बताया वो आपकी नॉलेज के लिए बताया है ठीक है ना और ना ही आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा जाता है यह मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं अब देखिए यहां केबी का के बी क्या है बॉल्समैन कॉन्स्टेंट है बॉल्समैन कॉन्स्टेंट है, क्या है? है. है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 पॉइंट थ्री एट इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी थ्री जूल पर कैलविन ठीक है टी क्या है टी क्या है टेम्परेचर है टेम्परेचर किसमें होता है कैलविन में होता है यहां इस फॉर्मूले में हम टेम्परेचर हमेशा कैलविन में लेते हैं ठीक है अंडर रूट टू कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है डी यानी कि डायमीटर डायमीटर किसमें होता है मीटर में होता है और पी यानी कि प्रेशर जो किसमें होता है पास्कल में होता है ठीक है किसमें होता है प्रेशर पास्कल में होता है तो अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ के भी क्या है एक कांस्टेंट है बॉल्समैन कांस्टेंट है अंडर रूट टू क्या है एक कांस्टेंट है पाई क्या है एक कांस्टेंट है डी क्या है डायमीटर क्या है कांस्टेंट है तो जो आपका मीन फ्री पाथ है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पे ठीक है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर और प्रेशर पे तो अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर पता है तो आप मीन फ्री पाथ पता लगा सकते हो तो यहां मीन फ्री पाथ की यूनिट क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं इज इक्वल्स टू वॉल्समैन कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या है जूल पर कैलविन टेम्परेचर क्या है कैलविन में है अंडर ओ टू की कोई यूनिट नहीं है पाई की कोई यूनिट नहीं है डी की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर है ठीक है और इधर इसकी यूनिट क्या है पास्कल है ठीक है अब यहां देखिए कैलविन से कैलविन कैंसिल आउट हो जाएगा इधर क्या बचेगा लेमडा की यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लेमडा की यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं मीन फ्री पाथ की यूनिट निकाल रहे हैं इधर बचेगा ऊपर जूल मीटर स्क्वायर पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं पास्कल क्या होता है पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ना मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इधर यहाँ ध्यान दीजिए मीन फ्री पाथ की यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये क्या हो जाएगा जूल पर न्यूटन अब ध्यान दीजिए जूल को आप क्या लिख सकते हैं जूल को क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर लिख सकते हैं तो लैमडा जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर मीटर से मीटर कैंसिल मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा सॉरी डिवाइडेड बाय न्यूटन है ना डिवाइडेड बाय न्यूटन ये यहां गलती कर दी थी मैंने तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां की यूनिट क्या आ जाएगी मीटर आ जाएगी तो मीन फ्री पाथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है मीन फ्री पाथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा मीन फ्री पाथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है मीन फ्री पाथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है अब ध्यान दीजिएगा तो हम कंटिनम एजम्पन को कॉन्टिन्यम एजम्प्शन को तभी वैलिड मानेंगे जब सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ग्रेटर देन होगी हंड्रेड टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ के अब मैं इस लैमडा को सॉरी इस लेंथ को इधर लेके आ रहा हूँ ठीक है तो वन ग्रेटर देन हंड्रेड इन टू बाय एल ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ अब देखिए क्या हो जाएगा वन बाय हंड्रेड ग्रेटर देन लेमडा बाय एल ठीक है ना ठीक है अब ध्यान से देखिएगा लेमडा बाय एल इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ठीक है लेमडा बाय एल लेफ्ट को राइट right में लिख लिया राइट right को लेफ्ट में लिख लिया वन बाय हंड्रेड लेमडा बाय एल लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन अब ध्यान दीजिए यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल रहा है लेमडा बाय एल इज इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू नहीं बाय एल इज लेस लेमडाईन जीरो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको याद रखिए बस जो पहले मैंने रिलेशन बताए वो आपको नॉलेज के लिए बताए हैं मैंने ठीक है ना ये आपका इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ठीक है ना ये रिलेशन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है लेमडा बाय एल इज लेस देन जीरो पॉइंट जीरो ध्यान दीजिएगा लेमडा की यूनिट क्या होती है मीटर होती है Length, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जो है लेमडा बाय जो है लेमडा बाय जो है ये एक यूनिटलेस डायमेंशन है ये एक यूनिट लेस डायमेंशन है ठीक है ये एक यूनिटलेस डायमेंशन है और इस यूनिटलेस डायमेंशन को हम क्या कहते हैं नडसन नंबर कहते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना ठीक है इस यूनिटलेस डायमेंशन को हम नटसन नंबर कहते हैं इस यूनिटलेस क्वांटिटी को इस यूनिटलेस क्वांटिटी को हम नटसन नंबर कहते हैं ठीक है ना इस यूनिटलेस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं नटसन नंबर कहते हैं तो लेमडा बाय एल क्या कहलाता है नटसन नंबर कहलाता है लेमडा बाय एल को हम क्या कहते हैं नटसन नंबर कहते हैं नटसन नंबर को हम k सब्सक्रिप्ट n से डिनोट करते हैं नटसन नंबर को हम k सब्सक्रिप्ट n से डिनोट करते हैं तो इस रिलेशन को मैं वापस लिख सकता हूं लैम्डा बाय l क्या होगा k सब्सक्रिप्ट n होगा लैम्डा बाय l क्या है नटसन नंबर है तो k सब्सक्रिप्ट n इज लेस देन 0.01 ठीक है तो आपका जम्पन ऑफ कॉन्टिनम तभी वैलिड होगा जब लैमडा बाय एल की वैल्यू लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन होगी अगर लैमडा बाय एल की वैल्यू यानी कि नडसन नंबर की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन से कम है तभी आपका कॉन्टिनम एजम्पन वैलिड होगा ठीक है ना अगर लैमडा बाय एल की वैल्यू या नटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से ज्यादा है तो उस केस में आपका कॉन्टिनम क्वॉन्टीन वैलिड नहीं होगा ठीक है इन दो रिलेशंस को ध्यान रखिएगा इन दो रिलेशंस को ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेमडा बाय एल लेस देन 0.01 और नटसन नंबर लेस देन के एन लेस देन जीरो, जीरो ठीक है ना ठीक है लेमडा बाय एल क्या होता है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है यूनिटलेस डायमेंशन है और इसको हम क्या कहते हैं नटसन नंबर कहते हैं ठीक है ना लैम्डा बाय एल एक यूनिटलेस क्वांटिटी है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है और इसको हम क्या कहते हैं नडसन नंबर कहते हैं ठीक है ठीके? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया मैंने आपको समझाने के लिए आपकी नॉलेज के लिए बताया कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है मीन फ्री पाथ क्या होता है वैसे आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने फॉर्मूलेज लिखे इसके उन फॉर्मुलेज पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं ना ही सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं ना ही आपके गेट आईएस के एग्जाम्स में आते हैं ठीक है ना लेकिन ये वाला जो ये वाला जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी कि आप कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम या एजंक्शन ऑफ कॉन्टिनम आपकी तभी वैलिड होगी जब आपका लेमडा बाय एल लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन होगा यानी कि जो नडसन नंबर है वो जीरो पॉइंट जीरो वन से कम होगा ठीक है तो ये था आज का हमारा टॉपिक अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू